उस समय मेरी क्या गलती? मॉम ने मुझे क्यों इतनी बातें सुना थी? ओह कम ऑन दानिया प्लीज, मैं तुम्हारे दुख सुनूं या खुद को संभालूं? डोंट यू रियलाइज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? क्या क्या हो गया है मेरे साथ? हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ना। सो मुझे ऐसे बातें सुना रही है जैसे मेरी पहली शादी पकड़ी गई हो। दे दो, तुम भी मुझे ताने दे दो। नहीं वो अच्छा, चले चल के मॉम के पास तो बैठे। मुझे अपनी बेटी के कमरे तक जाना है, उसका कमरा किस तरफ है? सर मैं उन्हें बताकर आता हूँ, आप प्लीज ऑफिस में बैठिए। मैं ऑफिस में बैठने नहीं आया, अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। कमरा किस तरफ है उसका? सर देखें, हमारी नौकरी का सवाल है, आप प्लीज ऑफिस में बैठिए, मैं उन्हें बता कर आता हूँ। कमाल करते हो मियां, बहू के महके से कोई अपनी बेटी को मिलने आए तो उसके कमरे तक नहीं जा सकता? जाओ बताओ जाके। जी सर बता गया। और दानिया को बताना। अब चाहे अंदर, दरवाजा खुला है। मेरे ख्याल से सलाउद्दीन, तुम्हें वकील से बात करके ना कैम के साथ एक डील बना लेनी चाहिए। मुंह ही बंद कर दो उसका, मुसीबत टल जाएगी हमारी। आओ बेगम साहब, सनाउल्लाह साहब आए। चलो नई मुसीबत, नीचे बैठाओ हमारे। ठीक है, मेरे ख्याल से दानिया संभाल लेगी उनको। वैसे बहुत जानदीदा इंसान है मामू जान। नहीं नहीं, हम उनकी बेटी के ससुराल हैं और ससुराल के सामने ना जानदीदगी नहीं, सब्र और अकलमंदी से काम लेना पड़ता है। और जितना मैंने अभी दानिया को सब सुनाया है ना, उन्हें संभाल लेगी।